अज़बल में शैतानी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हैं? एंड पिछले कुछ दिनों से मेरे वीडियोस मेरे लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, उसके लिए मैं आपके माजरत खाऊँ। तो बाय द वे, आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में जनरल नॉलेज के MCQ, जनरल नॉलेज के क्विज आपके साथ डिस्कस करूँगा। एंड पर्टिकुलरली मैंने कुछ सेट बनाए हुए हैं, तो उनमें से आज होगा सेट नंबर 1, ठीक है? एंड पर्टिकुलर सेट के अंदर कुछ MCQ, कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, हुसैन आफ्ताब जी के रिवेरी को, ठीक है? चलते हैं, अब बढ़ते हैं हम अपने सवाल की तरफ। तो सबसे पहला सवाल हमारा आता है, सेबेस्टियन कुर्ज इज़ फॉर्मर चांसलर ऑफ, कहाँ का है फॉर्मर चांसलर, आप मुझे बता सकते हैं? ठीक है, तो भाई साहब ये हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द रियल नेम ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ द KP, जिसका अलकाब, जिसका जो है ना शॉर्ट फॉर्म है डॉक्टर खान साहब, तो इनका फुल फॉर्म है, उनका फुल नाम है डॉक्टर अब्दुल जवाहर खान। द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो वो है रिचर्ड राइट। एंड नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि भाई वो जो नेक्स्ट सवाल हमारा आता है, द सेस्मिक एक्टिविटी आर द क्विक एक्टिविटी ऑन द प्लानट मार्स, मार्स पर जो है ना उसका क्या है कहते हैं, उसको कहते हैं मार्स क्विक, ठीक है? एंड क्वेश्चन नंबर 5, द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द ईरान, वो है पर्शियन, फारसी लैंग्वेज बोली जाती है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द हीरो इन द तुर्किश ड्रामा, तुर्किश ड्रामा जो अभी चल रहा है ना, कुलुस उस्मान, अब तो गल गाजी था, पहले अभी कुलुस उस्मान, तो उस हीरो का नाम है बुराक ओजीसीविट, ठीक है? एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्या हकीम मोहम्मद सईद होगा, SAEED, सेड नहीं होगा, हकीम मोहम्मद सईद है, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डेथ जो कहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर हमदर्द लेबोरेटरीज, हमदर्द कंपनी जो है ना बनाई थी 1948 में, एंड ये एक पॉलिटिकल फिगर भी था, ठीक है? एंड इसको जो है ना असैसिनेट किया गया था। द करंट बैंकिंग मोहतसिब ऑफ द पाकिस्तान का जो करंट बैंकिंग मोहतसिब है, एक होता है फेडरल मोहतसिब, वफाकी मोहतसिब होता है, एक होता है बैंकिंग मोहतसिब जो कि कंप्लेंट्स वगैरह को रिजॉल्व करता है, तो बैंकिंग का अभी बहरहाल है सियाज नजीज है। एंड देन क्वेश्चन आता है, द यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, ये पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर है, एंड ये पर्टिकुलर वर्ल्ड के अंदर भी कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, ब्रांच हैं। विथ इट्स हेडक्वार्टर्स एट द पेरिस, ठीक है, इसके क्वार्टर्स हैं कहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओसिड, एक होता है ओपेक, ओसिड, तो ओसिड के जो है ना हेडक्वार्टर से पेरिस से, एंड इसको बनाया गया था 1961 में। एंड देन हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था उसको पास किया गया था 12 मार्च 1949 को, ठीक है? एंड क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिसॉल्व्ड इन द 1954, एंड पाकिस्तान की पहली असेंबली को डिसॉल्व किया गया था, एंड जो पहली हमारे आइन मिली, हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला था पाकिस्तान, वो बना था 9 साल के बाद मिला था, ठीक है, 1956 में। द करंट चेयरपर्सन ऑफ द पाकिस्तान अकेडमी ऑफ द लेटर्स, ये एक अकेडमी पाकिस्तान की, PAL, पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स, या जैसे PLO, पैलेस्टीन लिबरेशन आर्मी कह सकते हैं, वो अलग होगा, ये अलग होगा, ठीक है? एंड ये जो है इसका डॉक्टर नजीब आरिफ होगा। द सेकंड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज कन्वीन इन द मई 1955, फिर कहता है हमारा, द करंट चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटर था, जिसको कहते हैं पेमरा, ठीक है, तो पेमरा का भी जो चेयरमैन है वो है मिर्ज़ा सलीम बेग, ठीक है, बहुत ही हाई लेवल की पोस्ट होती है, ठीक है? एंड मेजरली इनको जो है ना प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। द अदर नेम ऑफ द रोम्स वर्ल्ड फेमस कोलोजियम, ठीक है, एक रोम का बहुत ही बड़ी, जिसको कहते हैं वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है ना, उसको कहते हैं रोम के अंदर, इसको कहते हैं कोलोसियम, एंड इसका अदर नाम जो है ना फ्लेवियन एम्फी थिएटर भी इसे कहते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 आता है, सिडनी ओपेरा हाउस वॉज ऑफिशियली ओपनड बाय द क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, सिडनी का ऑस्ट्रेलिया का एक ओपेरा हाउस है जिसको क्वीन एलिजाबेथ II ने खोला था 1973 में, एंड लास्ट ईयर जो है क्वीन एलिजाबेथ II भी डेथ कर गई। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट है शालीमार गार्डन, ठीक है, एंड शालीमार साइट गार्डन जो है ना हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अंडर द यूनेस्को, ठीक है, एंड इसको बनाया गया था 1642 में।
1642 में इसको बनाया गया था, एंड मेरे ख्याल से ये लाहौर के अंदर है। द फर्स्ट क्रिश्चियन टू प्ले द टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, ठीक है, पहला ऐसा है जिसने पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला हो, ठीक है, वो है वेलियस मैथियस या वेलिस मैथियस। क्वेश्चन नंबर 22, द लास्ट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ जेंटलमैन क्रिकेटर, ठीक है, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ जेंटलमैन क्रिकेटर, ये एक बुक है जिसको लिखा गया है मोहम्मद हनीफ की तरफ से, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स हम थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लाइक शेयर कर दें अपने मोबाइल से, सब्सक्राइब कर दें हुसैन आफ्ताब जी के रिव्यूअर को भी, और जो हमारा दूसरा चैनल है जी के सुपर मार्केट को, ठीक है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू।